फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ समर स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जिसे पीते ही आपको मजा ही आ जाने वाला है। कितनी भी थकान हो, चुटकियों में दूर हो जाने वाली है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए कि इस समर स्पेशल ड्रिंक को आप कैसे बना सकते हैं, जो कि बेहद ही हेल्दी रेसिपी है। और मैं आपके साथ हमेशा ही हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं समर स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक। हाय फ्रेंड्स, मैं विमला, मेरे विदान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समर स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक। और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक हम बनाएंगे वाटरमेलन से। इसे बनाना बहुत ही इजी है और आप इस रेसिपी को जरूर से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है वाटरमेलन और इसे हम कट करेंगे। तो कट हमें इस तरीके से करना है कि इसके जो सीड्स हैं वो ना आए, इन्हें आप निकाल दें। तो चलिए इन्हें कट कर लेते हैं। तो सीड्स को हम अलग कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जिस पार्ट में सीड्स हैं उसे हम निकाल देंगे। हमें छोटे छोटे पीसेस चाहिए इसके, तो हम इसके पीसेस कर लेते हैं। यहाँ पर वाटरमेलन के पीसेस हमने कट कर लिए हैं। इसे इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो चलिए बनाते हैं समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो सबसे पहले हमें लेना है 2 ग्लास। तो यहाँ पर मैं 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ, तो 2 ग्लास लेना है। और सबसे पहले मैं इस ग्लास में जो ऐड करने जा रही हूँ वो है ये सिरप। ये सिरप एक शरबत है और इसे मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये 100% नेचुरल है और रूह अफजा से 100 गुना बेहतर है, हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप जरूर से देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले मैं इस सिरप को ऐड करूंगी। तो यहाँ पे कम से कम 4 बड़े चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, तो मैं इसमें अंदाजे से ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे वाटरमेलन क्यूब्स। जब ये क्यूब्स वाटरमेलन के चांस मुंह में आएंगे ना, तो ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीने में बहुत ही ज्यादा मजेदार बनने वाला है। तो भरपूर मात्रा में ऐड कीजिए क्योंकि पीने में और खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से ऐड कर दीजिए। और अब एंड में मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ठंडा ठंडा मिल्क, यानी चिल्ड मिल्क, बिल्कुल ठंडा एकदम से। अगर आपको एक्स्ट्रा ठंडा चाहिए तो आप आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। तो हम मिल्क को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सभी चीजें बहुत ज्यादा ठंडी है, कूल है। अब हम 1 स्पून लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस एक बार इसे इस तरीके से स्टर कर लीजिए ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, यहां पर हमारा समर स्पेशल रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें जो हमने सिरप ऐड किया है, उस रेसिपी को आप जरूर से देखिएगा। घर पर बहुत ही सस्ते में कैसे हम उस सिरप को बना सकते हैं, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज होगा और इसमें आयरन कैल्शियम बहुत कुछ है इस शरबत में। तो जिसे पीकर आपकी आंखों में चमक और चेहरे पर ग्लो तो आना ही आना है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी सभी रेसिपीज की वीडियो आप तक पहुंचेंगी और एक से एक हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विदान किचन इंदौर को सब्सक्राइब करें। तो एंजॉय करें इस रेसिपी को, ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।